हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दो तीन छोटी छोटी चीज़ें बताने आया हूँ। मतलब ये कि दो तीन छोटे छोटे ट्रिक्स बताने आया हूँ टिकटॉक के बारे में, जो कि शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर जानते भी हैं तो फिर भी लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर नहीं भी जानते तो फिर तो ज़ाहिर है लाइक तो बनता ही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं कि ये काम किस तरह से होते हैं। तो मैं हूँ शाहिद, आप देख रहे हैं टेक स्टोरीज़ जी। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो है इफ़ेक्ट्स के बारे में। इफ़ेक्ट को आप लोग खोलते हैं तो आप लोग यहाँ से देखते होंगे कि बहुत सारे इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो आप लोगों को ढूंढने में बहुत ही मुश्किल हो जाती है अक्सर कि आप लोग मतलब बार बार अगर अपना फेवरेट इफ़ेक्ट ढूंढना चाहें तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। तो जिस तरह से ये इफ़ेक्ट है, तो इफ़ेक्ट इसको आप लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं जब, तो इस इफ़ेक्ट को अप्लाई करने के बाद आप लोग अगर चाहते हैं कि ये इफ़ेक्ट जो है वो मेरे पास रहे और मैं बार बार इसको अप्लाई जब भी करूं तो मुझे कोई टेंशन ना हो, तो आप लोगों ने यहां पे क्लिक कर देना है सेव वाले बटन पे। तो यहां से ये होगा कि आप लोग यहां से जब भी इफ़ेक्ट्स खोलेंगे तो इस टैब में आप लोगों के ये वाले इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद रहेंगे जो कि आप लोगों को चाहिए। दूसरा छोटा सा ट्रिक ये है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल में जाके अगर आप लोग अपनी वीडियो खोलते हैं, कोई भी वीडियो अगर आप लोग खोल लेते हैं इस तरह से, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ से अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इसको मैं प्राइवेट करूँ, या मतलब ये कि वीडियो ये जो है वो लोगों को नज़र ना आए, तो आप लोग थ्री डॉट वाले बटन पर क्लिक करें और उसके बाद जाएँ यहाँ पर प्राइवेसी में जाने के बाद आप लोग यहां से प्राइवेट कर सकते हैं इसको, या फ्रेंड्स ओनली पे सेट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह से प्राइवेट कर देते हैं तो आप लोगों की ये बैज आ जाएगा प्राइवेट का, तो आप यहां से समझ सकते हैं कि लोगों को मेरी वीडियो जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो उसके बाद अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं दोबारा से अपनी वीडियो को पब्लिक कर दूँ, तो यहां से फिर प्राइवेसी पे क्लिक करें और उसके बाद पब्लिक पे सेट कर दें इसको। उसके बाद जो ट्रिक आ जाता है वो ये आ जाता है कि आप लोग ये वाले ऑप्शंस अगर देखें तो एंड पे जो ऑप्शन है ये एप्लीकेशन वाला तकरीबन ये आइकन बना हुआ है, तो आप लोग इसको अगर खोलते हैं तो यहाँ से आप लोग 60 सेकंड वाले को मतलब अपनी वीडियो के टाइम को सेट कर सकते हैं। आप लोग देखें कि यहाँ पर 15 सेकेंड की बनेगी और यहाँ पर आप लोगों के कोई भी मार्क नहीं आ रहा स्टॉप करने का। तो यहाँ से अगर आप लोग दोबारा इसको 60 सेकंड पे करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 सेकंड वाला उन्होंने लगाया हुआ है कि भाई यहाँ पे 15 सेकंड हो जाते हैं, इससे आगे आप लोग अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके अलावा इसी ऑप्शन में एक और चीज़ है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोगों ने इस तरह से बैक कैमरा ऑन किया हुआ है तो आप लोग इसी ऑप्शन पर क्लिक करें, तो ऑप्शन पर आप लोग यहाँ से फ्लैश चला सकते हैं। मतलब ये कि आप लोगों का फ्लैश इस तरह से चलता रहेगा, मतलब वीडियो बनाने के टाइम आप लोगों का फ्लैश चलेगा, और अगर आप लोग इस फ्लैश को ऑफ़ करना चाहते हैं तो फिर यहां से आके ऑफ़ करके आप लोग इसको सेट कर सकते हैं इसी तरह से। उसके बाद है ये टाइम ट्रिक। अगर आप लोगों की ये टाइमिंग वाली बार नहीं आ रही तो आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको टाइमिंग वाली बार को ऑन कर सकते हैं। तो यहां से अगर आप लोग 2x पे वीडियो बना रहे हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी जो वीडियो है वो स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए, मतलब ये कि स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन हो, अगर मैंने उसके फौरन बाद ही इसको स्लो मोशन में लेकर आना है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरह से स्मूथली ट्रांजिशन होगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि अगर आप 0.5x पे लेकर आना चाहते हैं इसको, तो इस तरह से अगर आप लोगों ने थोड़ी सी वीडियो बनाई हुई है और थोड़ी सी वीडियो बनने के बाद आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से मैं ट्रांजिशन लेके आऊँ, मतलब ये कि ये 2x पे बनी है तो मैं इसकी ट्रांजिशन लेकर आऊँ 0.5x पे, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि 0.5x को और साथ ही ये वाला जो वीडियो वाला ऑप्शन है, मतलब वीडियो वाला जो बटन है, इन दोनों को आप लोगों ने अब इकट्ठे प्रेस करना है। तो मैं इसको एक को ये पॉइंटर के साथ और दूसरे को प्रेस करूंगा, 0.5x को अपने हाथ के साथ प्रेस करूंगा, वो आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। तो दोनों को आप लोग इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आप लोगों की जो ट्रांजिशन है वो स्मूथली हो जाएगी, मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता से वो अपनी स्पीड को कम करेगा। वरना अगर आप लोग डायरेक्टली इसको लेकर आ जाते हैं, मतलब डायरेक्टली इसको प्रेस करते हैं, तो फिर आप लोगों की जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ नहीं होगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए होंगे टिकटॉक के। तो इसी तरह की और टिप्स और ट्रिक्स और उसके साथ साथ ट्यूटोरियल्स और उसके अलावा इफ़ेक्ट्स वगैरह देखने के लिए टेक स्टोरीज़ को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, उसके साथ साथ बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।